हाय बच्चों, मैंने बात की 13 टॉपर से। यस, यू गॉट मी राइट। आई टॉक टू 13 टॉपर्स, और वो सिर्फ नीट के टॉपर्स नहीं थे, यूपीएससी के टॉपर्स, नीट के टॉपर्स, जेईई टॉपर्स, बोर्ड एग्जाम्स ऑफ बोथ 10th एंड 12th टॉपर्स। एक एनडीए टॉपर से मैंने बात की, एमबीए ग्रेजुएशन में आईआईएम टॉपर से मैंने बात की, और इन टॉपर से बात करके मुझे 6 सीक्रेट्स पता चले हैं। पर जो 6 सीक्रेट है वो है सबसे इंपॉर्टेंट नाइट सीक्रेट, जो मैं आपको वीडियो को एंड में बताऊंगी। सो जरूर वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं 6 सीक्रेट्स विच कैन हेल्प यू अगर आप अपनी पढ़ाई की किसी भी स्टेज पे हैं और एक्चुअली आपको टॉप करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं। नंबर वन सीक्रेट जो लगभग सारे टॉपर्स ने मुझे बताया, एंड विच आई फील, मतलब एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि यार ये चीज उनकी सुपर पावर बन चुकी है, और अगर आपने इसको अपना सुपर पावर बना लिया तो आप सच में नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाओगे। सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कहलाती है बायो हैकिंग। आपको आपको कुछ हैक नहीं करना, कहीं जाना नहीं है, बट वॉट इज बायो हैकिंग? बायो का मतलब होता है बॉडी, और हैक का मतलब होता है उससे कुछ ऐसे काम करवा लेना जो लगभग असंभव हो। देखो बेटा, हर किसी का एक ना एक प्रोडक्टिव टाइम होता है। कोई दिन में अर्ली मॉर्निंग 3 बजे प्रोडक्टिव होता है, कोई शाम को रात को 10, 10:30, 11 बजे के बाद सुबह 3, 4 बजे तक प्रोडक्टिव होता है, कोई दोपहर को प्रोडक्टिव होता है। हर टॉपर ने अपना 3 to 5 hours का प्रोडक्टिव टाइम, roughly 4, 4.5 hours का अपने खुद का प्रोडक्टिव टाइम जान लिया है। दे नो कि वो किस टाइम पे सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, और उस प्रोडक्टिव टाइम पे वो सबसे टफेस्ट या चैलेंजिंग चीज करते हैं। जैसे मुझे यूपीएससी के टॉपर्स ने बोला कि यार मैम, हमें जनरल स्टडीज की जो पढ़ाई होती है ना, जो बहुत वेग होती है, वो मुश्किल होती है, वो हम प्रोडक्टिव टाइम में करते थे। आईएम वालों ने बोला कि हमें जो मार्केटिंग स्टडीज करनी होती है उसमें बहुत रिसर्च, बहुत दिमाग लड़ाना होता है, वो हम तब करते थे। नीट और जेईई टॉपर्स वाले बच्चे कहते कि फिजिक्स हमें मुश्किल लगती थी, चैलेंजिंग लगती थी, हम तब करते थे। तो वो आपका बहुत इंडिविजुअलाइज टाइम होता है। यू कैन नॉट से कि यार ठीक है कोई सुबह पढ़ो शाम को पढ़ो, वो पुराने जमाने की बातें रहेगी। एवरीबडी, एवरी सिंगल वन का एक प्रोडक्टिव टाइम होता है। उनकी बॉडी, उनकी फिजिक, उनके साइकोलॉजी, उनके बिहेवियर, उनके पैटर्न्स के हिसाब से आप अपने मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम को फाइंड आउट करो और उस टाइम पढ़ो। दैट इज रेफर्ड टू एज बायो हैकिंग। नंबर टू चीज कहा जाती है विच इज वेरी यूनिक, इसीलिए वर्ड में भी आ गया, यूनिक ग्रैस्पिंग। हर बच्चे ने मुझे, जिसने टॉप करना है उसने कहा, कोई कहता है कि मैं रीड करता हूं, कोई कहता है नहीं मुझे रीड करके नहीं होता, मैं राइट करता हूं, कोई ने मुझे बोला मैं सिर्फ वाइटी वीडियो से पढ़ता हूं, मुझे और कुछ समझ में नहीं आता, कोई कहता मैं साथ साथ नोट्स बना के पढ़ता हूं, कोई और कहता कि मैं तो चलते चलते पढ़ता हूं तभी मुझे नींद आती है, राइट, तभी मुझे नींद नहीं आती, मेरी पढ़ाई होती है। सो एवरीबडी हैज अ वेरी यूनिक ग्रास्पिंग स्टाइल। प्लीज अपने ग्रास्पिंग स्टाइल को अपने लिए यूनिक रहने दो। अगर आपका ग्रास्पिंग स्टाइल यूनिक है वो आपके लिए काम करता है। आपको अपना ग्रास्पिंग स्टाइल किसी को देखकर, किसी का सुनकर पढ़ने, अगर आपको चलते चलते याद रहता है, आप चलो, आप ये मत सोचो मैं कोटा चला गया, लोग मेरे को देख रहे हैं, हंसेंगे, क्या बोलेंगे। कोई सिर्फ रीडिंग करता है उनको याद रहता है, कोई राइट करता है साथ साथ, कोई रीड करता है तो 10 बार रीड करके भी याद नहीं होता, लिखेंगे तो याद होगा। कोई कोई तो मुझे बच्चे कहते हैं कि मैं सिर्फ हर एक चीज के वाइटी वीडियोस बैठ के देखती हूँ, सिर्फ मुझे सब कुछ समझ में आ जाता है, मैम आपकी वीडियोस देखती हूँ सब याद हो जाता है। सो हर किसी का अपना एक यूनिक स्टाइल है, दैट इज योर यूनिक यूएसपी, उसको किसी के लिए भी चेंज मत कीजिए। नंबर थ्री, काफी लोगों ने मुझे बोला कि यार हम फोकस ही तब कर पाते थे अगर हम ऑर्गेनाइज्ड होते थे। मतलब मैंने अपनी स्टडी के लिए एक स्पेस बनाई थी, उस स्पेस को मैंने टोटली डीक्लटर कर दिया, वहां पर कोई खाने का सामान नहीं, कोई और स्टडी की किताब नहीं, वहां पर कोई मोबाइल नहीं, वहां कुछ नहीं। छोटी जगह बड़ी जगह डिपेंड करता है आपके घर में कितनी जगह है, राइट? पर हर बच्चे ने मुझे बोला, भले हॉस्टल में रह रहे हो, भले मुखर्जी नगर में मेरे बच्चों से बात की जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कहते भले एक कमरे का कमरा था, मेरे खाने बनाने की जगह भी उसी कमरे में थी पर वो अलग थी, पर मेरे इस कोने में मैंने एक टेबल कुर्सी लगा दिया था, बेड साइड में था, मैं टेबल कुर्सी पे ही पढ़ता था, एक एक बिल्कुल
डीक्लटर्ड जगह थी। तो बहुत बच्चे जिनको डिसिप्लिन जिनकी लाइफ में नहीं होता, जिनकी लाइफ में फोकस नहीं होता, जो लॉन्ग आवर्स पढ़ नहीं पाते, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, मैं बताती हूँ आप अपने स्पेस को डीक्लटर करो, आप ऑर्गेनाइज करना शुरू करो। और यहाँ पे एक बड़ी मजेदार बात आपको बताती हूँ, बच्चों ने बोला मैम ये हमारी हैबिट नहीं थी, पर हमने देखा कि यार मेडिटेशन करने से, 5 मिनट सिर्फ ध्यान जपा चैंटिंग करने से, अपनी स्पेस को साफ करने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, मतलब मल्टीपल्स में फर्क पड़ता है। तो बोला कि हमने ऑर्गेनाइज करना चीजों को सीख लिया। आई अर्ज यू कि आप लोग भी प्लीज अपनी स्पेस को ऑर्गेनाइज करो। नंबर 4, एक बहुत यूनिक पॉइंट निकल कर आया, बहुत यूनिक पॉइंट। उन्होंने इसको हम कहते हैं E2। कौन सा पॉइंट? E2 मतलब बहुत 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 यूनिक पॉइंट निकल कर आया। तो हर बच्चे ने लगभग जिससे मैंने बात की उसने मुझे बोला कि मैम या तो हमारे पेरेंट्स या फ्रेंड्स, और फॉर दैट मैटर जितने सीनियर बच्चों से मैंने बात की, जैसे जो आई वगैरह कर रहे थे काफी मैरिड थे, बहुत सीनियर थे, कुछ जॉब वगैरह, उन्होंने बोला एक इमोशनल कोशेंट अपना स्ट्रॉन्ग करने से हमें बहुत फर्क पड़ा। हर छोटी चीज पे जो हमें बुरा लग जाता है, सोशल मीडिया पे किसी आपको देखकर जेलसी एंग्जाइटी हो जाती है, नेगेटिविटी सी फीलिंग आने लग जाती है, कईयों ने अपने बेस्ट फ्रेंड्स का नाम लिया, कईयों ने अपने पेरेंट्स का नाम लिया, कईयों ने अपने सिबलिंग्स भाई बहन का नाम लिया, कई लोगों ने अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ का भी नाम लिया जो सिविल सर्विस वगैरह तैयारी कर रहे थे। पर उन्होंने बोला एक बहुत स्टेबिलिटी लाना जरूरी है, और ये स्टेबिलिटी आपका कोई ना कोई इमोशनली आपको अंडरस्टैंड करे, इमोशनल कोशेंट हाई होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, राइट, आपके प्रोफेसर्स हैं, आपके कोई स्पेशल फ्रेंड्स हैं, अगर आप इमोशनली बैलेंस्ड हो तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से होगी, आप फोकस कर पाओगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से होगी। और दूसरी चीज उन्होंने बोला इज एक्सरसाइज। कहते जब भी स्ट्रेस होता था हम वॉक के लिए चले जाते थे, कई बच्चों ने तो ये बोला कि यार मैंने वेट्स रखे हुए थे, स्ट्रेस होता था हम थोड़ी देर पुशअप सेटअप स्क्वाटिंग वेट्स के साथ कर लेते, या मतलब लगभग 75-80% बच्चों ने मुझे बोला कि हमारी एक रूटीन थी। और जरूरी नहीं है कि यार बहुत हार्डकोर आपको जिम जाना है, वर्कआउट करना है, कहीं किसी ओपन जिम में जाने के थे, नहीं हम सिर्फ वॉक कर लेते थे। शाम को खाने के बाद एक आदत बनाई हुई थी कि शाम को पोस्ट डिनर मम्मी पापा के साथ वॉक कर ली। काफी बच्चों ने मुझे बोला यार एक छोटी सी वॉक कर ली, सुबह वॉक, शाम को वॉक, थोड़ी देर योगा ही कर लिया, राइट, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ही कर ली। बट एक्सरसाइज से उन्होंने बोला यार ये दोनों जो चीज है ना E2, ये आपके मूड के लिए है। अगर आपका मूड ठीक रहेगा तो ऑटोमेटिक सी बात है कि आपका जो फोकस है ना वो ठीक रहेगा, आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, आपका लॉन्ग आवर सिटिंग, अदरवाइज आपका मन इधर उधर भटकता रहेगा। तो E2 फोर्थ पॉइंट बहुत लोगों ने बोला, और बहुत 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 मतलब मुझे लगा कि लोगों को इस पर्टिकुलर चीज ने बहुत हेल्प किया। अब आती हूं मैं आज के बहुत जिसका बेसब्री से इंतजार है, क्या है वो सीक्रेट, स्पेशली वो नाइट सीक्रेट। तो काफी टॉपर्स ने मुझे बोला कि यार मैम दिन भर पढ़ाई करते थे, अगले दिन के लिए इंस्पिरेशन चाहिए थी। अच्छा एक और चीज बता देती हूँ, एक चीज उन्होंने मुझे ये बताई कि यार अगले दिन का हमारा टाइम टेबल सेट होता था, बिना टाइम टेबल के हमारी बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती थी। हम जब रात को 10-11 बजे सो रहे हैं तो हमारा टाइम टेबल पूरा सेट होता था, हम आज का पूरा दिन नाइट सीक्रेट में पूरा दिन हम आज का अपने मन में एक बार देख लेते थे, आज क्या पढ़ा, कैसे किया, अगले दिन का पूरा प्लानिंग सेट होती थी। बट एक सीक्रेट उन्होंने दिया मुझे, एक सीक्रेट, कहते मैम हम सबसे, जैसे बहुत बच्चे कहते हैं ना मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, यूट्यूब पे ये देख लेते हैं, यूट्यूब पे वो देखते हैं, इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं, उन्होंने मुझे गाइड किया रात को, और ये 85% बच्चों ने बोला, तो मतलब इसमें काफी कुछ इन्होंने बहुत आई थिंक इट विल बी वेरी जिसे कहा जाए ना बहुत सच में वाकई में बहुत वो सही बात होगी। तो बच्चों ने मुझे बोला दैट मैम हम ना रात को सोने से पहले आज के दिन को फुली वो जीने के लिए और इंस्पायर्ड फील करने के लिए और अगले दिन में बहुत इंस्पायर्ड फील करने के लिए टॉपर्स के वीडियो देखते थे। तो यूपीएससी वालों ने बोला हम टॉपर्स की वीडियोस, टॉपर्स की इंटरव्यूज देखते थे। आईएएस वालों ने बोला जैसे हम मेरे कॉलेज से कोई ग्रेजुएट करके गया, उसकी एप्पल में बड़ी अच्छी जॉब लग गई, या कहीं हम उनकी वीडियोस देखते थे।
आईटीजेई वाले टॉपर्स ने बोला, हम आईटीजेई वालों की वीडियोस देखते थे, नीट वाले टॉपर्स ने बोला यार उनकी पुराने कितने, उनसे हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलता था और लूप पे हम उनकी वीडियोस देखते थे जिनसे हम बहुत ज्यादा इंस्पायर होते थे, बहुत मोटिवेट होते थे और हमें लगता था कि बस अगर ये लोग कर सकते तो हम। और कहते यार इधर उधर किसी क्रिकेटर का वीडियो इंस्पिरेशन देखने की बजाय या किसी यूट्यूबर का इंस्पिरेशन वीडियो देखने की बजाय हम जब टॉपर्स की वीडियोज देखते थे तो दो चीजें होती थी, एक हम बहुत इंस्पायर होते थे कि यार ठीक है मतलब इन्होंने किया तो हम भी कर लेंगे, और दूसरा हर बार हमें कुछ नया सीखने को मिलता था, वो कैसे बोल रहे हैं, वो कैसे पढ़ते थे, वो क्या करते थे, वो आखिरी दिन क्या करते थे, उन्होंने साल भर कैसे पढ़ाई की, कहाँ से पढ़ाई की, कौन सी बुक से पढ़ा। तो कहते हैं इट इज लाइक अ डबल एज्ड हेल्पिंग स्वॉर्ड। तो ये उन्होंने मुझे बताया, आई थिंक ये बहुत बहुत हेल्पफुल है। तो अगर आपको ये 11 बजे वाले वीडियोस मेरे पसंद आ रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आप लोगों के लिए ही मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, एंड आई विल गेट वेरी इंस्पायर्ड अगर आप लोग एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिए। कल मैं एक कॉलेज वीडियो लेकर आ रही हूँ, कल 11 बजे मैं बायोटेक यू नो आउट कॉलेज इन्फो सीरीज पूरा कुछ बायोटेक के बारे में समझाऊंगी। कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो बायोटॉनिक पीसीबी, या मुझे इंस्टाग्राम मानिस वेदांत पे कांटेक्ट कर सकते हो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ लव, बाय।